हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट मॉनेटरी पॉलिसी का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर क्लास देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर बनता है इस चैप्टर में। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है बच्चों, की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये आरबीआई से जुड़ी होती है। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में कवर किया था फिस्कल पॉलिसी के बारे में, फिस्कल पॉलिसी जुड़ी थी गवर्नमेंट से रिलेटेड कि गवर्नमेंट के रिवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम कवर करेंगे सेंट्रल बैंक को यानी कि आरबीआई को, कि आरबीआई है जो कैसे कंट्रोल करके चलती है मनी को। तो उसके पास बहुत सारे ऐसे कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज़ करती है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मीनिंग क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसकी हेल्प से गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो होती है हमारी आरबीआई कंट्रोल करके चलती है सप्लाई ऑफ मनी को, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कितनी सर्कुलेशन में मनी है उसको सप्लाई को कंट्रोल करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कितना मनी अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर। कॉस्ट ऑफ मनी जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, कि क्यों कंट्रोल करती है आरबीआई मनी को, उसकी सप्लाई को, उसकी अवेलेबिलिटी को और कॉस्ट को। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है एक कंट्री की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और ग्रोथ लाना होता है, कि हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि इसका देश है जो विकास करे, तो उसके विकास वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरबीआई जो ये कंट्रोल करके चलती है तीनों को, सप्लाई ऑफ मनी को भी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को भी और कॉस्ट ऑफ मनी को भी, ताकि जो ऑब्जेक्ट है ग्रोथ और स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी का वो पूरा किया जा सके। डेफिनेशन कहते हैं डीसी रोवन के हिसाब से कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशनरी एक्शन होता है जो अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके सप्लाई ऑफ मनी को, कॉस्ट ऑफ मनी जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को। तो ये जैसे मीनिंग में था वही इन्होंने डेफिनेशन दे दी। नेक्स्ट जी के शाह के हिसाब से डेफिनेशन कहती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका मतलब है कि कॉन्शियस एक्शन लेना होता है मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा ताकि चेंज किया जा सके क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी और कॉस्ट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मनी को। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मीनिंग से रिलेटेड ही डेफिनेशन है जो दी गई है। नेक्स्ट आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई गई है इसका मेन उद्देश्य क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। समझते हैं इस कंसेप्ट को कि क्या मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट का, कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या होता है, ये वो देश होते हैं जिनका अभी विकास होना बाकी है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्ट अचीव करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने भी कंपिटेंट पर्सन होते हैं जो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर, यानी कि जो मजदूरी की दर चल रही है उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अटेन की जा सकती है, प्रोडक्शन और डिमांड को बढ़ा करके। जब प्रोडक्शन और डिमांड है गुड्स की बढ़ेगी तब है जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव की जा सकती है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रोल प्ले करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अडोप्ट किया जाता है चीप मनी पॉलिसी को। चीप मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, चीप होता है सस्ती मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी का मतलब क्या हो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को उधारा पैसा दिया जाता है, कि जब आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक द्वारा चीप मनी पॉलिसी अडोप्ट की जाती है तो वहीं इसके साथ ही जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो भी चीप मनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कम चार्ज करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि क्रेडिट है जो बढ़ेगा, कि लोग है जो उधारा पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे, क्रेडिट है जो एक्सपेंड हो जाएगा। जब क्रेडिट एक्सपेंड होगा उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के ऊपर जो खर्चा आता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही
उधारा पैसा कम ब्याज की दर पे मिलेगा, वैसे ही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो भी कम चली जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हम जानते हैं अकाउंट के अंदर पढ़ के आते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आते हैं। जब कॉस्ट कम होगी तो सेल प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब सेल प्राइस कम हो जाएगा तो उस केस में जो डिमांड होगी गुड्स की वो बढ़ जाएगी। जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी गुड्स का बढ़ाना पड़ेगा। जब गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कौन करेंगे, ह्यूमन फैक्टर। जब लोगों को काम मिल जाएगा तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जो अचीव की जा सकती है। और सेकेंडली कि जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा तो नई नई इंडस्ट्रीज हैं वो भी सेटअप हो जाएंगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। जब डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, यानी कि मंदी होती है, डिप्रेशन की सिचुएशन में जो डिमांड होते गुड्स और सर्विसेज की वो डाउन चली जाती है। जब गुड्स की डिमांड नहीं की जा रही तो फिर प्रोडक्शन भी क्या किया जाता है, इनका कम किया जाता है। जब प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा तो हमें ह्यूमन फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट है जनरेट हो जाती है, यानी कि बेरोजगारी है जो फैल जाती है इकोनॉमी के अंदर। तो अब इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो RBI होती है वो चीप मनी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, ताकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो अचीव किया जा सके। इस तरीके से हमारे पास ये फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे हेल्प होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। समझते हैं इस पॉइंट को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कि रियल इनकम पर कैपिटा इनकम है जो बढ़ना होना, मतलब कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो इंक्रीज हो, तभी बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, ये वो कंट्रीज है जिनका भी विकास होना बाकी है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो इनकम होती है, लोगों की जो इनकम होती है वो कम होती है, जिस कारण से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। क्योंकि इनकम कम है तो उसी हिसाब से उनका रहन सहन भी होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, लो होगा। ये क्यों होते हैं, इनकम कम क्यों है लोगों की और जिस कारण से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का वो कम है। प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या है, प्रोडक्शन कम होने का कारण है कि यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो रेट है कैपिटल फॉर्मेशन की, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वो कम है। जब कैपिटल ही नहीं लगाई जाएगी तो कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे एक विशेष सर्कल चल पड़ा है कि लोगों की इनकम कम है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन कम है। तो जब कैपिटल फॉर्मेशन कम है, जिस कारण से ये कंट्री अपने जो उनके नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल है जो नहीं कर पाएगी। क्योंकि नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए पैसा चाहिए, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। जब कैपिटल फॉर्मेशन कम है तो नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स इनके वेस्ट जाएंगे, यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। जिस कारण से गवर्नमेंट क्या करती है, फोकस करती है फिर कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए जिससे नई नई इंडस्ट्रियां खड़ी की जाएं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले, कनाल्स, पावर हाउस एटसेट्रा, ये सारे जब बढ़ जाएंगे कंट्री के अंदर, जिस कारण से अंडर डेवलप्ड कंट्री भी क्या कर पाएगी, विकास कर पाएगी।
इस तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। स्टेबल होना यानी कि स्थिरता होना। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि ना ही तो महंगाई आए ना ही मंदी आए, स्टेबिलिटी बनी रहे प्राइस के अंदर। आज के टाइम में जो मेन प्रॉब्लम चल रही है कंट्रीज़ के अंदर वो किस चीज़ की है, इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आई है। किन कारणों से जो इन्फ्लेशन आती है, तो यहाँ पे दो कारण रहते हैं इसके। एक तो जो प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज है उसकी डिमांड का बढ़ जाना, दूसरा कि जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम होना, या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाना। तो जब महंगाई आती है उस सिचुएशन के अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है जो वो बढ़ जाती है, जो पुअर और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको बहुत मुश्किल होती है सरवाइव करने के लिए, अपनी ज़रूरत का खर्चा पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि महंगाई है जो बढ़ जाती है। वहीं जो डिफ्लेशन होती है, मंदी होती है, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है इकोनॉमी के ऊपर। डिफ्लेशन के अंदर जो प्राइजेज होते हैं गुड्स और सर्विसेज के वो डाउन चले जाते हैं, और जो प्रोडक्शन किया जाता है वो भी कम किया जाता है, जिस कारण से जो बेरोजगारी होती है अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब प्रोडक्शन ही कम किया जा रहा है तो लोगों को काम कैसे मिल पाएगा, क्योंकि काम करने के लिए तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जब प्रोडक्शन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ जानी है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है और डिफ्लेशन को ख़त्म किया जाता है, ताकि स्टेबिलिटी है जो इकोनॉमी के अंदर आ पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट का मीनिंग समझते हैं पहले, कि एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी के बदले फॉरेन करेंसी कितनी ले सकते हैं, यानी कि एक्सचेंज रेट के अंदर आता है। अगर मैं एक फॉरेन करेंसी लेती हूँ तो उसके बदले मुझे कितना इंडियन रुपी पे करना पड़ेगा, उसे एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के अंदर जो मेन रोल प्ले किया जाता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रहता है। यहाँ पे जब एक्सचेंज स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी एक मेन रोल प्ले करती है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि ये वो नंबर ऑफ यूनिट होती है अनदर कंट्री की करेंसी की, जो हम लेते हैं किसके बदले में, एक यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बदले में। यानी कि अगर मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट दे रही हूँ तो उसके बदले मैं कितने फॉरेन करेंसी की यूनिट है जो ले रही हूँ, तो उसके एक्सचेंज रेट बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती रहती है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो उन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस के आने को। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये डिफरेंस होता है टोटल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ कंट्री का। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, जो डिफरेंस होता है टोटल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कंट्री को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। कि यहाँ पे जो कंट्री होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने की कोशिश करती है, कि जो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवर में रहे। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करना और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी रखना एक मॉनेटरी पॉलिसी का अनदर ऑब्जेक्ट होता है, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है, कुछ लोग रिच हैं कुछ लोग पुअर हैं, तो उन इनइक्वालिटी का जो रिड्यूस किया जाता है उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का।
जो कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज वो होती है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट को कमाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, उसे सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ प्राइवेट सेक्टर का हाथ होता है, कुछ पब्लिक सेक्टर का हाथ होता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा इनक्वालिटीज़ पाई जाती हैं कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, जो वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि जब कैपिटल और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ बहुत होती हैं इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसका रिजल्ट क्या होता है, सोसाइटी डिवाइड हो जाती है दो क्लास के अंदर, रिच और पुअर। रिच क्लास जो होती है वो एक्सप्लोइट करना शुरू कर देती है, शोषण करना शुरू कर देती है पुअर सेक्शन को। रिच जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो शोषण करेंगे गरीबों का, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, सभी बराबर हो जाएं, इनकम और वेल्थ है जो सबके पास इक्वल हो जाए, ये अचीव किया जाता है मॉनेटरी हेल्प की, मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से। अब पैरामीटर्स या फिर इंस्ट्रूमेंट कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जो प्रिंसिपल पैरामीटर यानी कि जो मेन पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, सप्लाई ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कॉस्ट ऑफ मनी बोला जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। सबसे पहले आता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि कितनी करेंसी इशू की गई है मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा, और कितने डिमांड डिपॉजिट है बैंक के पास, जो कंट्री की बैंक है उसके पास कितने डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जैसे कस्टमर गया बैंक में और वो कहते हैं कि इतने पैसे पेमेंट की जाए, तो उसे डिमांड डिपॉजिट क्या बोला जाता है, डिमांड के ऊपर इसकी पेमेंट की जाती है। अरेंज करने के लिए अप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ मनी को, यानी कि अप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ मनी को अरेंज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से, ताकि जो सेंट्रल बैंक है कंट्री की वो अडोप्ट कर सके एक फ्लेक्सिबल मेथड नोट इशू करने का, क्योंकि नोट किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा। जो मिनिमम रिजर्व फंड मेथड होता है उसको एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए मिनिमम रिजर्व फंड का इस्तेमाल किया जाता है। मिनिमम रिजर्व फंड में क्या होता है कि लोगों को उत्साहित किया जाता है, इनकर्ज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड है जो बैंकों के अंदर जमा कराएं। जब बैंकों के अंदर वो मिनिमम रिजर्व फंड के अंदर पैसा जमा कराना शुरू कर देंगे, जिससे धीरे धीरे करके बैंकिंग का भी क्या होगा, विकास होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ मनी, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक अनदर इंस्ट्रूमेंट माना गया है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। जो अविकसित देश होते हैं उनके लिए चीप मनी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। चीप मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा उधार दिए जाते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को। जो ये पॉलिसी होती है ये अब्यूज्ड करती है स्पेकुलेटर्स और होर्डर्स को। स्पेकुलेटर्स जो सट्टाबाजी करते हैं, होर्डर्स वो होते हैं जो जमाखोर जिसे बोलते हैं, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाती है, कम ब्याज रेट पे पैसा अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, अगर हर एक जन को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, जिससे स्पेकुलेशन और होर्डर जो बढ़ावा मिलेगा इनको, कि इन्हें क्या लगेगा कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, सट्टेबाजी शुरू हो जाएगी और जो जमाखोरी शुरू हो जाएगी, जिसका एक गलत असर पड़ेगा इकोनॉमी डेवलपमेंट के ऊपर। अब स्पेकुलेटर और होर्डर्स को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट का जो इस्तेमाल करती है, डिस्क्रिमिनेशन रेट इस्तेमाल करती है। मतलब क्या है कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जैसे स्मॉल इंडस्ट्री, उनको तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देती है, जबकि जो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए पैसा उधार लेते हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखती है, हाई रखती है, ताकि स्पेकुलेशन और होर्डिंग है जो ख़त्म की जा सके। ऐसा क्यों करती है आरबीआई, क्योंकि अगर स्मॉल इंडस्ट्री को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधारा दिया जाएगा पैसा, तो स्मॉल इंडस्ट्री क्या करेगी, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगी,
देश का विकास होगा, क्योंकि जैसे जैसे छोटे छोटे उद्योग लघु उद्योग बढ़ेंगे वैसे वैसे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे देश है जो विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन जो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ होते हैं, अनप्रोडक्टिव पर्पज़ वो होती हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले नहीं करते, उनके लिए जो उधार दिया जाता है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाता है। अगर एग्रीगेट डिमांड को कम करना है उसके लिए फिर क्या करती है आरबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। जब महंगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग कम पैसा उधार लेंगे, जब लोगों के पास कम पैसा होगा तो ऑब्वियस है कि वो डिमांड क्या करेंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जब मंदी का टाइम होता है उस टाइम पर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, तो आरबीआई के अंदर पॉलिसी अचीव की जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए जाते हैं, कि जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोगों को पैसा अवेलेबल हो जाएगा तो लोग आसानी से उधारा पैसा ले लेंगे, जैसे उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होगी डिमांड बढ़ जाएगी, जिस कारण से डिप्रेशन की सिचुएशन है जो वो हट जाएगी। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मनी कितनी अवेलेबल है क्रेडिट के लिए, तो यहाँ पे जो मनी रेफर करते हैं क्रेडिट कंट्रोल को, तो यहाँ पे दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड और क्वालिटेटिव जिसे सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड ही बोलते हैं। ये हम कवर करेंगे मेथड दोनों नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आई होप कि जो मैंने आपको आज कवर कराया कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके मेथड्स कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्लुएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।